Hi guys, how are you? I hope you are amazing. Dev is smile because smile is the medicine of life. और आज हम आ गए पंच कृष्णा. जी हाँ दोस्तों, जो कि दाहो से 35 किलोमीटर है और हमारे फ्रेंडों के साथ हम आए, उनसे भी आपको मिला दे. तो क्या आप हमारे साथ पंच कृष्णा आना चाहते हो? मुझे बताए आप आना ही चाहते हो. आइए. दिखाइए उन्हें दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए. मयूर पाठक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो जापान में जॉब करते हैं. आपने ठीक सुना, जापान में. तो मयूर भाई कुछ कहना चाहते हैं आप? आज कुछ तो बोलिए. जापान में, जापान के बारे में कुछ बताइए हमें. जापान एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, वहाँ पे रहने का मजा ही कुछ अलग है. अच्छा, बहुत मजा आता है. तो वो दोस्तों, मेरा ये डायलॉग है कि आप मेरे साथ पंच कृष्णा आना चाहते हो, तो ये जापानी में बोलेंगे. बोलिए वापस जोर से थोड़ा. पंच कृष्णा तो इसो नहीं किमासेन का. वाह क्या बात है. देखिए तो मेरे जो डायलॉग है वो जापान में भी, जापानी लैंग्वेज में भी आपने सुन लिया दोस्तों. तो अब तो आपको आना ही पड़ेगा. क्यों? चलो तो आगे यहाँ पे जो हिस्ट्री यहाँ पे पंच कृष्णा की वो आपको बता दें. मयूर भाई के भाई से मिला दें. आइए. ये मयूर भाई के भाई हर्ष पाठक है, हमारे दोस्त, जो यही हमें लाए. तो बताइए यहाँ की हिस्ट्री आप यही बताएंगे. पहले जो 13वीं सदी में मंदिर बनी हुई थी, अब मैं तकलीफ बताई सको जो फिलहाल इतने पांच देवों महाभारत ना समय पांडव पोता 12 वर्ष का गुप्त वनवास काल दरमियान आ स्थले रोकाया था. श्री कृष्ण भगवान पांडवों ने मरवा माटे आ स्थले आया था. जे आजनु पंच कृष्ण मंदिर प्राचीन काल में अहीं सुश्रुत ऋषि ना आश्रम माछण नदी ना किनारे काठे आवेलो छे. अहीं गाढ़ जंगलो हता अने आ विस्तार ने हिडिंबा वन तरीके ओळखवामां आवतो. नीले अहीं हिडिंबा नामना राक्षस ने मारी तेनी बहन हिडिंबा साथे लग्न कर्या हता. तेवी तेवी पण मान्यता छे के कालक्रमे आ मंदिर 13वीं सदी में बन्युं. પ્રાચીન કાળનું મંદિર છે, 13મી સદીનું મંદિર છે. પાંચ દેવોનો 11 સમૂહ એટલે પંચકૃષ્ણ મંદિર કહેવામાં આવે છે. પાંડવોએ અહીંયા વનવાસ કર્યો હતો. તમે આજુબાજુનો એટમોસ્ફિયર દેખી શકો છો. આ જૂના શિલાલેખો છે, કોતરણી છે, તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો.